नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे किसानों और सरकार के बीच कृषि कानून के मसले पर जारी विवाद अब फिर से बातचीत की ओर बढ़ रहा है। मंगलवार को दोनों पक्षों में बातचीत हो सकती है। किसानों द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर सोमवार को सरकार जवाब देगी। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार मंथन से कुछ निर्णय निकलेगा। इस सबसे इतर किसानों ने अपना आंदोलन तेज करने की बात कही है। जगह जगह प्रदर्शन और सामानों का बायकॉट जारी रहेगा। सरकार ने एक दिन आगे बढ़ाई है तारीख, 30 दिसंबर को बातचीत होगी। वहीं किसानों का कहना है कि अगर 30 तारीख को बात बनी तो मोदी की जय जयकार करेंगे। उम्मीद है कि 30 तारीख को बनेगी बात और किसान अपने घर पर नया साल मनाएंगे। हालांकि कुछ किसान ये भी कह रहे हैं कि फिलहाल बीजेपी का रवैया उनके हक में नजर नहीं आ रहा है। किसान आंदोलन का 33वां दिन खत्म होने को है। देर शाम का वक्त है। मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। जो वार्ता सरकार के साथ 34वें दिन होनी थी, अब वो 34वें दिन नहीं बल्कि 35वें दिन होगी। 30 दिसंबर को होगी, यानी 29 की जगह 30 दिसंबर का दिन बेहद अहम है किसानों के लिए। यहाँ हमारे साथ तमाम जो किसान हैं वो मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि 30 दिसंबर का जो दिन है वो अब कितना अहम है। सीधे उनसे पूछ लेते हैं, 29 की जगह 30 को होगी सरकार से वार्ता, कितनी उम्मीदें हैं? उम्मीद तो पूरी है भाई, कि उम्मीद तो आदमी को रखना ही चाहिए। बगैर उम्मीद के, उम्मीद से तो पूरा देश टिका है, तो उम्मीद तो हमें है कि पूरी बात मानना चाहिए। और नहीं मनेगी तो क्या किसान यहाँ से जाने वाला है क्या? हम जा कह रहे 32 दिन हो गए और मतलब 32 दिन लग जाएंगे, क्या बात हो जाएगी इसमें भाई? तो साल के सेकंड लास्ट डे क्या बनेगी बात? अवश्य बनेगी, पूरी आशा है हमें। निराशावादी कभी कामयाब नहीं होता, हम पूरे विश्वास के साथ बैठे। नया साल आप अपने घर पे मनाएंगे, हल निकल जाएगा आपको लग रहा है, या फिर यहीं पर मजबूर होना पड़ेगा, क्या उम्मीद? नए साल की तो हमें 26 जनवरी तक तो तैयारी करके आए हैं। 26 जनवरी तक तो तैयार है, तो क्या चमकीली सड़क है, परेड देख के जाएंगे हम, भैंसा बोगी ले आएंगे। ट्रैक्टर आता है उनकी परेड वो होगी, हमारी भैंसा बोगी और ट्रैक्टरों की होगी। अभी क्योंकि 2 बजे का वक्त है 30 तारीख को, तो फिर ट्रैक्टर मार्च भी होगा या उस पर अभी कोई निर्णय लिया जाता ना? वो तो देख के होगा, तो 30 रख रही है, तो 30 बजे से वार्ता के बाद ही होगा। जो वार्ता के बाद जो ट्रैक्टर मार्च है वो होगा साल के सेकंड लास्ट डे, बन पाएगी बात? बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बनेगी तो डटे हुए तो है। गणतंत्र दिवस की तो तैयारी पहले से ही है? हाँ हाँ, वो तो तैयारी है, नया साल भी यहीं मनाएंगे। अब मोदी साहब के हाथ में है, जे कल कुछ फैसला सुना देंगे तो ठीक है, नहीं तो यहीं मनाएंगे कल। हालांकि मैं अपडेट आपको बता दूं, 29 की जगह आप 30 को बात होनी है। लेट हो गया, एक दिन और डिले हो गया। अच्छा अच्छा, चलो अब देखो, अब इनके मन में सबत्या पड़ जाए तो जिंदाबाद मोदी की होनी है अगर इन्होंने वापस ले लिए। हाँ, अगर ये इन बातों पे गौर नहीं करेंगे अपना नुकसान कर रहे हैं, जितना लेट करेंगे उतना ही नुकसान हो रहा है इनका। इस बार बनेगी? बननी तो चाहिए, पूरी उम्मीद लग रही है, और बन गई तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं बनी तो 26 जनवरी का परेड यही होगा। और अगर बन गई तो किसान अपने घर पर नया साल? बिल्कुल नया साल मनाएंगे, ये तो मोदी जी को सद्बुद्धि भगवान दे कि ये मान जाए बात को। तो उम्मीद, क्योंकि मैं जितनी बात कर रहा हूँ नजर तो आ रही है, तो क्या जश्न की भी तैयारी है नए साल पर? भाई हम तो मोदी के जय जयकार कर लेंगे अगर ये कानून वापस ले ले और हमारे MSP पे कानून बना दे। भाई हम तो आशा में ही तो पड़े हैं भाई, आशा में 32-33 दिन हो गए आपको देखते हुए कि आशावादी लोग हैं। किसान जो है हवा के रुख से पहचान लेता, बात बन जाती है या फिर नहीं बनती है तो क्या रहने वाला है दोनों सूरतों में? अरे मांग ही कुछ नहीं है तो MSP की क्या मांग है? मांग तो वैती 14 दिन में कर्जा हटाया तुम्हारा, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लगाया तुम्हारा, आमदनी दुगनी कर दूंगा, कर्जा दुगना, आमदनी कर ली तनखाफनी दुगनी, टोटा MPML लोग आ रहा है, सबसे ज्यादा दिक्कत अपनी आमदनी बढ़ाओ जा रहे, हमारा कुछ भी नहीं, कर्जा इसी मार तो यहाँ पड़े, इतनी ठंड में कोई पड़ो क्या? अब कह रहे सब सुखी है, मोदी सुखी और कोई सुखी नहीं है, अपने आप जहाज ले लिया अमेरिका वाला, उसकी जरूरत थी किसान की जरूरत थी। तो 30 तारीख का इंतजार है और वार्ता होनी है। मैं एक बार आपको देर शाम का यहाँ नजारा जरूर दिखा दूं अंत में। देखिए, जो हुजूम है किसानों का वो लगातार बढ़ रहा है, और मैंने अपनी जो दिन की रिपोर्ट थी उसमें भी ये बताया था कि जो ट्रैक्टर मार्च है वो होने वाला है, और उसके लिए जो ट्रैक्टर्स ट्रॉली हैं उनकी संख्या में यहाँ इजाफा हो रहा है। हालांकि जब अभी किसानों से बात हुई तो उनका कहना है
कि 30 तारीख को दोपहर 2 बजे जो वार्ता होगी उसके बाद अब ये तय होगा कि ये ट्रैक्टर मार्च होगा या नहीं होगा। यानी सीधे शब्दों में ये कहें कि अगर 30 तारीख को बात बन जाती है तो किसान जो हैं वो अपना आंदोलन खत्म कर देंगे, लेकिन अगर बात नहीं बनती है तो ट्रैक्टर मार्च होगा, सभी बॉर्डर्स पर होगा और उसके लिए तैयारी पूरी है और आंदोलन पर तो वो लगातार बैठे हुए हैं, इस बात को वो बार बार साफ कर रहे हैं। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, कड़ाके की ठंड के बीच किसान सड़कों पर बैठे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत से इंडिया न्यूज के संवाददाता जतिन गोस्वामी ने खास बातचीत की। किसान आंदोलन का 33वां दिन है, राकेश टिकैत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 33वां दिन, आगे क्या रणनीति चल रही है? कल सरकार से बातचीत होगी, बात करेंगे सरकार से। बहुत सारी उम्मीदें 29 तारीख को? हाँ, 29 तारीख को पूरे देश को उम्मीद है। हमने सुना कि जिसने आपको धमकी दी थी वो बिहार में पकड़ा गया है। पता नहीं चला अभी, पता तो चल कह तो रहे थे यहाँ पे के साथ पकड़ लिया। एक सवाल सबके जहन में है कि 29 तारीख को क्या बात बनेगी? देखो, पेंसिल लगो बैठी सरकार भी, वो नफी का निशान लगाना चाह कि घटत पर हम उसको जमा करेंगे, 33 जमा 33, इतने दिन आंदोलन चलेगा। अगर सरकार एंडे बैंडे चलेगी तो हम उस जमा के निशान को तिरछा कर देंगे, फिर ये गुणा में चला जाएगा। हमारे पे पूरे फार्मूले हैं, सरकार या तो ठीक ठाक अपना काम कर दे, ठीक है, वो एक डंडा खींचेगी हम 2 खींचेंगे, वो 2 पर नहीं बनेंगे, हम उस डंडे को तिरछा कर देंगे तो गुणा में चला जाएगा। तो 33 गुणा 33, इतने दिन आंदोलन चलेगा। एक और सवाल ये है कि इस बार अगर कुछ भी, जैसे बात कहीं किसी लेवल पर अटकती है तो आगे क्या? आगे का बता तो दिया, आगे का जमा, जो ज्यादा इंडिपेंडेंट चलेगी तो उसका गुणा। हाँ, और क्या कुछ किसानों के बीच चल रहा है? आपकी दूसरे बॉर्डर्स पर भी बात हो रही होगी, क्या कुछ इस समय चल रहा है? क्योंकि 29 तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, जाहिर है वो वक्त भी बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है। परेड की ट्रायल करेंगे अब ट्रैक्टर पे, वो 1 तारीख से शुरू करेंगे, ट्रैक्टर चला करेंगे और जो जो से ट्रैक्टर शामिल होंगे उनको ट्रैक्टर नंबर देंगे, उसका नाम लिखेंगे तो ट्रायल होगा। क्योंकि परेड की ट्रायल अगर वहाँ पे भाई किसान पद पर को ट्रैक्टर चलना है तो वो तो शाही उसमें को चलना है ट्रैक्टर, हाँ उनको पूरा ट्रायल देंगे, झंडे लगा के जाएंगे, उनको सबको झंडा देंगे तो झंडा परेड होगी यहाँ पे, शाही परेड निकालनी शुरू करेंगे हम उससे, और ये आगे डाबर चौक और यहाँ तक चला करेंगे ट्रैक्टर। 5 बजे का उसका टाइम रख लेंगे और जितने भी ट्रैक्टर होंगे वे शामिल हो करेंगे, घूम का आ करेंगे फिर, क्योंकि उसमें शामिल होना है ना सब ट्रैक्टर। चार क्योंकि पॉइंट तैयार किए हैं। आपको लगता है कि 33वें दिन तक आते आते सरकार का रुख थोड़ा सा बदला, थोड़ा बहुत नर्म हुआ है आपको लगता है, या फिर अभी बात वहीं पर है? क्या नहीं, नहीं, सरकार कल ही मिलेगी, कल ही बात करेंगे। हालांकि पहले 5-6 बार वार्ता हुई, हाँ होगी बात। तो ये राकेश टिकैत जी हैं जिन्होंने बताया कि आगे की क्या कुछ रणनीति जो है वो रहने वाली है। 33वें दिन का सूरत हाल आपके सामने है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़।